ओम नमो नारायण महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ महाराज जी आपको। आपके चरणों में महाराज जी कुछ बात रखना चाहता हूँ। एमपी का जो चुनाव हो रहा है उसमें आप कुछ भविष्यवाणी करना चाहेंगे महाराज जी? आपके ऊपर बालाजी की कृपा है, आपने जो बोला है सत्य बोला है, जिसके ऊपर आप हाथ रख देते हैं वो सत्य निकलता है, विजय ही होती है महाराज उसकी। तो आज आप महाराज कुछ एमपी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बेटा, मैं क्या भविष्यवाणी करूंगा, सब मेरे बालाजी कृपा है। जी मैं पहले महाराज, तो ओम नमो नारायण बोलूंगा ओम नमो नारायण। और बालाजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा मैं, जी महाराज, क्योंकि हमेशा उन्हीं की कृपा हुई है। जी महाराज, मैं तो कुछ भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, जी महाराज, उनकी प्रेरणा होती है और उन्हीं की कृपा होती है कि मैं थोड़ा सा कुछ मेरे मुख से निकला देते हैं जी तो निकल महाराज, आता है। मैं ना तो कोई भविष्यवाणी वाला हूँ, मैं तो कुछ हूँ, मैं तो एक साधारण एक सन्यासी हूँ, जी महाराज, छोटा संत हूँ, सन्यासियों के चरणों का पात्र हूँ मैं। पर जी महाराज, हाँ, ये जरूर बोलना चाहूँगा कि जो अपने प्रदेश में, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, जी महाराज, तो वो तो एक सत्य की लड़ाई का है। जी महाराज, जो पार्टी सत्य की लड़ाई लड़ी होगी उसका तो विजय तय है। जी महाराज, पर रही बात है कि जीत हार की, जो जी पार्टी प्रभु राम के लिए, सत्य के लिए, महाराज, मर्यादित काम करने के लिए या कार्य कुछ भी करने के लिए वो लड़ाई लड़ी होगी, जी असत्यता महाराज, से जो भी प्रत्याशी लड़े होंगे उनका तो विजय तय है बेटा। जी पर रही बात महाराज, भविष्यवाणी, तो भविष्यवाणी कोई भविष्यवाणक नहीं हूं मैं, जी लेकिन महाराज, हाँ, ये जरूर मुझे संकेत आ रहा है बालाजी का कि बीजेपी की ही मुझे संकेत आ रही है, जी 110% आ रही है, महाराज, और बाकी बालाजी कृपा है। जी और मैं तो ये बोलता हूं कि 110 सीट के ऊपर पा रही है, उसमें तो महाराज, कोई कमी ही नहीं जी है। महाराज, और बाकी बालाजी की कृपा है, मैं तो बार बार यही बोलूंगा कि देखो, हमेशा सत्य की लड़ाई की ही विजय हुई जी है। महाराज जी, हमेशा, और बालाजी की ऐसी कृपा हुई है जी कि महाराज, जहां से हमारे बालाजी की और हमारे गुंज वाले सरकार की, गुंजेश्वर महादेव की कृपा हुई है, जी महाराज, और भारत में एक ही मंदिर है गुंजेश्वर महादेव जी का, महाराज, और गुंजेश्वर महादेव की ऐसी कृपा हुई है कि यहाँ के हमें महंत गुंजेश्वर महादेव की कृपा से हम चुनाव हुआ है कि हम कोई कृपा पात्र समझा है जी गुंजेश्वर महाराज, महादेव, और हमारे बालाजी की कृपा हुई है, जी महाराज, और ऐसी कृपा हुई है कि बालाजी की कृपा, और दूसरी बात शनिदेव की जी महाराज, कृपा भी है, जी महाराज, क्योंकि ऐसे कि भारत में अभी कोई भी ऐसे नहीं है कि अभी 5-6 शनिदेव की स्थापना कराया हो, जी और उनकी कृपा है। जी और हम तो यही बोलना चाहेंगे कि शनिदेव की और बालाजी की और गुंजेश्वर महादेव की कृपा हो और हमेशा महाराज, सत्य की विजय हो। और विजय तो उसी की है बेटा, जिसके हमने बोल दिया है, जी हमें संकेत महाराज, मिला है, हमने बोल दिया है, ये हमारी भविष्यवाणी नहीं है, बालाजी की कृपा है। जी हम महाराज, भविष्यवाणी नहीं करते हैं जी कि महाराज, कल कोई बोल दे बाबा ने किया था, हमने नहीं किया था, लेकिन हाँ है, सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता, जी और महाराज, सत्य हमेशा विजय सत्यता की ही हुई जी है, असत्य महाराज, कभी भी हारा है, असत्य कभी भी जीता जी है। महाराज, और बालाजी की सब कृपा रहेगी, जी और घबराने महाराज, की बात नहीं है, हमेशा सत्य जीतेगा, सनातन हमेशा विजयवान है, हमेशा विजयवान रहेगा। जी महाराज, ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण।